रबी सीजन की फसलों पर इस बार सूखे की मार पड़ी है। मॉनसून में कम बारिश होने की वजह से देश के कई राज्यों में इस खरीफ सीजन धान, दलहन और तिलहन की फसलें प्रभावित हुई हैं। मसलन कम बारिश होने की वजह से कई राज्य सूखे का सामना कर रहे हैं। नतीजन इस वजह से धान, दलहन और तिलहन फसलों का रकबा घटा था, जिसकी जानकारी बीते सप्ताह केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से दी गई। असल में कृषि मंत्रालय प्रत्येक शुक्रवार को खरीफ फसलों के अनुमानित रकबे पर रिपोर्ट जारी करता है। नई रिपोर्ट के पिछले सप्ताह के मुकाबले धान और दलहन के रकबे में मामूली सुधार देखने को मिला है, लेकिन इस सुधार के बाद भी पिछले साल के धान और दलहनी फसलों से जुड़े 24 लाख हेक्टेयर खेत सूख पड़े हैं, यानी कि 24 लाख हेक्टेयर खेतों में सूखा देखने को मिला है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी फसल रकबे पर आधारित साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार 16 सितंबर तक 399,03,000 हेक्टेयर में धान की फसल लगाई जा चुकी है, जबकि पिछले साल इस तारीख तक 417,93,000 हेक्टेयर में धान की फसल थी और इसी तरह चालू सीजन में 18,90,000 हेक्टेयर में धान की खेती कम दर्ज की गई है, जबकि बीते 9 सितंबर को बीते साल की तुलना में 20,52,000 हेक्टेयर में धान का रकबा घटा था। इस तरह एक सप्ताह में देश के अंदर धान का रकबा 1 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। उधर दलहनी फसलों का रकबा भी कम हुआ है। कृषि और किसान मंत्रालय की तरफ से जारी फसल रकबे पर आधारित साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार देश में दलहनी फसलों का रकबा पिछले साल की तुलना में अभी भी 5,56,000 हेक्टेयर कम है। हालांकि 9 सितंबर की तुलना में दलहनी फसलों के रकबे में 1 लाख हेक्टेयर का सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बीते साल देश के अंदर दलहनी फसलों का कुल रकबा 137,50,000 हेक्टेयर था, जो मौजूदा समय में 131,92,000 हेक्टेयर पर दर्ज किया गया है। इसी के साथ चावल के उत्पादन में भी गिरावट देखने को मिली है। मॉनसून की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कम बारिश दर्ज की गई है। इस वजह से बने सूखे जैसे हालातों के चलते इन राज्यों में बड़ी संख्या में धान की फसल पर असर पड़ा है, जिसे देखते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने खरीफ सीजन में चावल के उत्पादन में 10 से 12 मिलियन टन गिरावट होने का अनुमान जारी किया है। हालांकि उस दौरान मंत्रालय ने उसे प्रारंभिक अनुमान बताया था, लेकिन जिस तरीके से धान के रकबे में मामूली बढ़ोतरी हुई है तो कहा जा सकता है कि चावल उत्पादन के अनुमान में कोई व्यापक बदलाव की फिलहाल उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।